Hello everyone, I'm Bhavna Sahani back with the new video for class 12th macroeconomics, and in this video we are continuing with the chapter money and this is the part 3 of the video. And agar abhi tak aapne part 1 and part 2 nahi dekha hai to uska link niche description box mein diya gaya hai, and agar aap logo ko koi doubt hai so you can comment me in the comment box so that I can clear your doubt. So let's get started with the part 3 of this chapter, that is money. So in this chapter we are covering these topics. First is measures of money supply, next is important facts of money supply, and one numerical. एक numerical होगा जो कि सुभाष दे पे sorry जो कि संदीप गर्ग पे based है. All right, so let's start these topic. First is measurement of money supply, कि money supply को measure कैसे करते हैं. इसमें हम चार measurement देखेंगे, that is M1, M2, M3 and M4. तो अगर मैं M1 की बात करूँ तो इसको ध्यान से देखिए. अगर M1 की बात की जाए तो M1 सबसे ज्यादा liquid measure है, cash में easily convert हो जाता है, right? And it is a medium of exchange, easy medium of exchange, क्योंकि ये cash में easily convert हो जाते हैं. तो अगर मैं M1 की बात करूँ तो currency and coin with public plus demand deposits of commercial bank plus other deposits with RBI, ठीक है, मतलब currency and coin with public plus demand deposits जो हमारे bank में पैसा रखा हुआ है plus other deposits with RBI, calculate करेंगे, add करेंगे तो हमारा आ जाएगा M1. राइट, अगर मैं अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई की बात करूं तो ये वो डिपॉजिट्स है विच इज हेल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक्स, राइट, ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, राइट, फॉरेन बैंक्स और फॉरेन गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसा आरबीआई के पास पड़ा है वो अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई में आता है. हाउ एवर इट डज नॉट इंक्लूड डिपॉजिट्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक विद आरबीआई. तो जितना पैसा इंडियन गवर्नमेंट का आरबीआई के पास पड़ा है या किसी भी कमर्शियल बैंक का आरबीआई के पास पड़ा है तो वो M1 में या अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई में नहीं आता. अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई में सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में वही पैसा आता है जो रिजर्व बैंक के पास पड़ा है, ऑन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पड़ा हुआ है, ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट और ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक. तो करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक, ऑल राइट, प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई. जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा आता है M1, राइट. अब हम M2 की बात करें, M2 जो है वो M1 से थोड़ा सा ब्रॉडर कंसेप्ट है क्योंकि इसमें एक चीज और आती है. अगर मैं M1 की बात करूं मनी सप्लाई में, M1 से ब्रॉडर कंसेप्ट है M2, ठीक है, क्योंकि M1 में क्या आता है, सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक. तो अगर पोस्ट ऑफिस में भी अगर आपका कोई सेविंग बैंक बना हुआ है, सेविंग अकाउंट बना हुआ है, तो वो M2 में आता है. तो M2 में क्या हो गया, M1 में क्या आता है आपका, करेंसी हेल्ड विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट जो बैंक के पास है प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई प्लस सेविंग डिपॉजिट्स जो पोस्ट ऑफिस में है, राइट. सेविंग डिपॉजिट जो पोस्ट ऑफिस में है उसको तुम विड्रॉ नहीं कर सकते हो विद चेक, जैसे डिमांड डिपॉजिट को कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, वैसे सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस को तुम विड्रॉ नहीं कर सकते हो. तो दैट इज व्हाई इट डज नॉट कम अंडर M1, इसीलिए वो M2 में आया, इसका एक सेपरेट मेजरमेंट बना दिया, राइट. अगर मैं M3 की बात करूं तो ये जो कंसेप्ट है इट इज ब्रॉडर देन M1, अगेन M1 से ब्रॉडर है क्योंकि इसमें M1 के साथ साथ नेट टाइम डिपॉजिट्स भी आते हैं. नेट टाइम डिपॉजिट जो आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए डिपॉजिट कराते हो, जैसे रिकरिंग डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट जो आप कराते हो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, तो वो इसमें आता है. तो M1 में क्या क्या आता है, M1 में आता है करेंसी हेल्ड विद पब्लिक, कॉइन्स हेल्ड विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई प्लस नेट डिपॉजिट्स विद बैंक, नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक, ये हो गया आपका M3, राइट. सो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट M4, M4 में आपने क्या पढ़ना है, ये जो मेजरमेंट है इसमें जितना भी डिपॉजिट्स है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक का इन एडिशन टू M3, सो टोटल डिपॉजिट्स विद सेव पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में जितना भी आपका डिपॉजिट है जिसमें हम NSE को एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है, NSE इंक्लूड नहीं होती, प्लस M3. M3 अभी मैंने आपको क्या बताया, M3 अभी हमने करा है, M3 इज M1, राइट, प्लस नेट टाइम डिपॉजिट, नेट टाइम डिपॉजिट, नेट टाइम डिपॉजिट M1 हो गया आपका, करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई प्लस डिमांड डिपॉजिट
प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स प्लस ये हो गया आपका M3, इन दोनों का टोटल हो गया आपका M3 प्लस डिपॉजिट्स, टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस एक्सक्लूडिंग NSP, तो ये आपका टोटल हो गया मिला के M4। तो अब मैं एक बार ये फिर से रिवाइज करी क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका कैलकुलेशन न्यूमेरिकल बेस्ड है। M1 क्या होता है? करंट डिपॉजिट करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, अदर डिपॉजिट्स विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक, राइट। अगर मैं M2 की बात करूँ तो ये हो गया M1 जिसमें आ गया करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, अदर डिपॉजिट्स विद RBI, डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। सिर्फ सेविंग डिपॉजिट्स की बात कर रही हूँ इसमें। अगर मैं M3 की बात करूँ तो अगेन M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स, तो M2 में आता है सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस और इसमें आता है नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक। और M4 की बात करें तो M3 विच इज इक्वल टू M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस एक्सक्लूडिंग NSE, राइट। सो दीज आर द फोर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई के चार इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है कि पहला की जो M1 से लेके M4 तक मनी सप्लाई है, तो M1 इज द मोस्ट लिक्विड एंड M4 इज द लीस्ट लिक्विड। तो M1 मोस्ट लिक्विड, फिर आता है M2, फिर आता है M3, फिर आता है M4। M3 जो है वो वाइडली यूज किया जाता है। M3 में क्या आता है? M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक, राइट, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एग्रीगेट मनी रिसोर्स ऑफ द सोसाइटी। तो M3 को बोलते हैं एग्रीगेट मॉनिटरी रिसोर्स ऑफ द सोसाइटी। अगर M1 और M2 की बात करूँ तो वो नैरो मनी सप्लाई कंसेप्ट है, M3 और M4 की बात करूँ तो वो वाइडर कंसेप्ट है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आती है। RBI जो है मनी सप्लाई का डाटा रिलीज करता है इंडिया में। सो इंडिया में मनी सप्लाई का डाटा कौन रिलीज करता है? RBI रिलीज करता है। सो नाउ लेट्स सी द न्यूमेरिक। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट M3। फॉर M3 व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कैलकुलेट M1। विद M1 यू हैव टू ऐड नेट टाइम डिपॉजिट्स। सो व्हाट इज नेट टाइम डिपॉजिट्स? M1 तो आपने पार्ट 1 में निकाल लिया, ए पार्ट में निकाल लिया। नेट टाइम डिपॉजिट इज 2,55,000। तो जब आप M1 और नेट टाइम डिपॉजिट्स को ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा M3। ऑलराइट, एंड देन लेट्स मूव टुवर्ड्स M4। M4 भी बहुत इजी है, अब हम M4 करते हैं। सो M4 इज इक्वल टू M3 प्लस टोटल टाइम डिपॉजिट्स। ऑलराइट, M3 इज टोटल टाइम डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, टोटल टाइम डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। तो जब आप M3 को ऐड करेंगे 22,500 से तो आपका आ जाएगा M4। M3 आप ऑलरेडी थर्ड पार्ट में निकाल चुके हैं। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू द न्यूमेरिकल। सॉल्व दीज न्यूमेरिकल, आंसर दीज न्यूमेरिकल्स इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन सी आप लोगों को समझ आया या नहीं। एंड इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क टू मी, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन क्लियर योर डाउट। एंड येस, दिस चैप्टर इज फिनिश्ड ओवर हियर एंड नाउ इन द नेक्स्ट चैप्टर वीडियो वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर बैंकिंग। सो इफ यू like my video, do not forget to subscribe our channel, do not forget to ring the bell icon for the notification of upcoming videos. Moreover, I'm coming with more chapters and more videos super soon. So if you are interested in online and offline classes, you can contact on the number given below. Plus you can reach us out on Instagram, Facebook and Telegram for the notes of these chapter. So I will be meeting you guys super soon in my next video. So bye bye everyone. So M4 is equal to M3 plus total time deposits. All right, M3 is total time deposits with post office, total time deposits with post office. So jab aap M3 ko add karenge 22,500 se तो आपका आ जाएगा M4। M3 आप ऑलरेडी थर्ड पार्ट में निकाल चुके हैं। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू द न्यूमेरिकल। सॉल्व दीज न्यूमेरिकल, आंसर दीज न्यूमेरिकल्स इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन सी आप लोगों को समझ आया या नहीं। एंड इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क टू मी, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन क्लियर योर डाउट। एंड येस, दिस चैप्टर इज फिनिश्ड ओवर हियर एंड नाउ इन द नेक्स्ट चैप्टर वीडियो वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर बैंकिंग। सो इफ यू like my video, do not forget to subscribe our channel, do not forget to ring the bell icon for the notification of upcoming videos. Moreover, I'm coming with more chapters and more videos super soon. So if you are interested in online and offline classes, you can contact on the number given below. Plus you can reach us out on Instagram, Facebook and Telegram for the notes of these chapter. So I will be meeting you guys super soon in my next video. So bye bye everyone.